हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, जिसके एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड करना है आपको 64 की पावर 1/2। अगर 64 की पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्लियर है? ऐसे ही सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 है। तीनों पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 64 की पावर 1/2। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना कैसे अपन इनको सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है? हमें क्या करना होता है, ये जो बेस, देखो ये बेस होता है, ये ध्यान रखना, ये जो है ये बेस है और ये जो है ये पावर है, क्लियर है? ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए की पावर एम के फॉर्मेट में, ठीक है? ए यहाँ पर क्या है, हमारा बेस है और एम जो है वो पावर है, क्लियर है बात? अब देखो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर बेस को कैसे लिखना होता है, बेस को हमारे को ये जो पावर होता है ना, पावर का जो डिनोमिनेटर होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2 है ना, तो 2 क्या है, ये तो न्यूमरेटर है आपको पता ही है, और डिनोमिनेटर क्या है, बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। देखो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा 2। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जो होता है उस डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी होती है उतने ही ग्रुप में आपको इसको लिखना होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 2, मतलब 2 का ग्रुप बनेगा जिसमें 64 को मैं लिख सकता हूँ। कैसे, अब मैं ग्रुप कैसे बनाऊँगा, तो देखो मैं ग्रुप कैसे बनाऊँगा, तो 64 को मैं 8×8 लिख सकता हूँ। बताओ क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 का ग्रुप बना रहा है, 8×8 मतलब 8 की पावर 2 बना रहा है ना 2 का ग्रुप, तो आपको इसी टाइप से करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर देखो 64 को मैंने लिख दिया 8 की पावर 2, तो मैं लिखूँगा 64 को मैंने लिखा 8 की पावर 2। क्यों मैंने 8 की पावर 2 लिखा, क्योंकि मेरे को 2 का ग्रुप चाहिए था, 2 ग्रुप बनाने थे, क्योंकि कहाँ से पता लगाया मैंने, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू होती है उतने के ग्रुप बनाए जाते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पर 8 की पावर 2, फिर ब्रैकेट में, बहुत बच्चों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, इतनी प्यारी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप इजीली क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो 8 की पावर 2, और यहाँ पर क्या है, इसकी जो होल पावर है वो कितनी है, बस 64 को हमने 8 की पावर 2 लिखा है, बस और कुछ नहीं, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1/2। अब आपको पता है ये क्या है भाई, ये है ए की पावर एम और इंटू एन, पढ़िए ये वाली प्रॉपर्टीज। तो ए की पावर एम इंटू एन क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है, होता है ना, ए की पावर एम की होल पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन, मतलब इनकी पावर जो होगी वो इंटू हो जाएगी, तो इनकी पावर अगर इंटू होगी तो 2×1/2 क्या होगा, 2 से 2 कट, तो आंसर क्या आएगा, 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 क्या होगा हमारा, 8 ही आंसर होगा, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को? और जो ये 1/2 होता है ना, किसी की भी पावर 1/2 होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 64, देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 ही तो होगा, तो किसी की भी पावर अगर 1/2 दिख जाती है, इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। किसी की भी पावर अगर 1/3 दिख जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्लियर है बात, ठीक है? लेकिन आपको रटना नहीं है कि 1/2 दिखेगी तो स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि आपको निकालना आना चाहिए। अब बताओ इसकी पावर 1/5 दिख गई, चलो स्क्वायर रूट तो पता है आपको, जिसकी पावर 1/2 होगा स्क्वायर रूट होगा, 1/3 क्यूब रूट होगा, बट अगर 1/5 आ गई तो, 2/3 आ गई तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको, क्लियर है? तो यहाँ पर देखो 64 की पावर 1/2 था, तो हमारे को क्या करना है, बेस को किस फॉर्म में लिखना है, 2 के ग्रुप में, 2 का ग्रुप कहाँ से निकालना, डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, तो हमने 64 को क्या लिखा, 8 की पावर 2, ठीक है? और उसकी भी होल पावर क्या है, 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम की होल पावर एन, तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ए की पावर एम की होल पावर एन, ये होता है हमारा ए की पावर एम इंटू एन, क्लियर है, बिकॉज लगा के, ठीक है? तो 2 से 2 कट, तो 8 की पावर 1 आ गया, 8 की पावर 1 जो होता है वो क्या होता है हमारा, 8 ही होता है, ये आंसर होगा, ठीक है? सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, 32 की होल पावर 1/5, बहुत ध्यान से समझना। देखो अब मैं इसे रब कर देता हूँ, अब देखो इसको भी समझना, 32 की होल पावर 1/5, मैंने फिर से आपको कहा था, क्या बोला था मैंने अभी, कि इसको 32 को, बेस को हमारे किस फॉर्मेट में लिखना है, कितने का ग्रुप बनना चाहिए, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो 5 का ग्रुप बनना चाहिए, है ना? तो 5 का ग्रुप कैसे बनेगा, 32 को हमारे को इस टाइप से लिखना है कि 5 का ग्रुप बने, तो हम देखो 32 के हम अगर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2×2×2×2×2 निकल सकता है, और देखो 2 का पावर
टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू बन रहा है ना, और ये टू की पावर कितनी हो गई, फाइव। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं 32 को क्या लिखूंगा, टू की पावर फाइव, ठीक है, और उसकी होल पावर क्या है, वन अपॉन फाइव। अब ए की पावर एम की होल पावर एन हो गया, तो ए की पावर एम इंटू एन मतलब फाइव से फाइव कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, टू की पावर वन। टू की पावर वन क्या होता है हमारा, टू होता है। क्लियर है, समझ गए बात को? तो चलो करते हैं, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर फाइव लिख सकते हैं, और उसकी होल पावर क्या है हमारे पास में, वन अपॉन फाइव है, ठीक है। हमने ये रिड्यूस कर दी, क्यों करी, बिकॉज हमें पता है कि ए की पावर एम की होल पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम इंटू एन होता है, तो टू की पावर वन, देन आंसर जो होगा हमारा वो क्या आएगा, टू आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। अब देखो ये थर्ड पार्ट है हमारे पास में, 125 और 1 अपॉन 3, पावर में है 1 अपॉन 3। कैसे करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, मतलब ग्रुप अब कितने का बनेगा, 3 का। तो 125 के अब अगर प्राइम फैक्टर्स निकालो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो सकता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ग्रुप 5 की पावर 3 बन रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, 5 की पावर 3 मतलब ग्रुप हमारे को 3 का ही बनाना था और 3 का बन भी रहा है, तो 5 की पावर 3 और 1 अपॉन 3, 3 से 3 कटेगा तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। क्लियर है? क्यों? बिकॉज ये लिख लेना आप, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर जो आया है वो 5 की पावर 1 आया। इस टाइप से इनको कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।